हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रोकली की सब्जी। ब्रोकली हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इस सब्जी को बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसमें दो कटे हुए आलू डाल देंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ब्रोकली को पकने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए आलू को हम पहले थोड़ा पका ले रहे हैं। 3 मिनट बाद इसमें दो हरी मिर्च डाल देंगे। 2 कप कटी हुई ब्रोकली डाल देंगे। इसे अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। ब्रोकली को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, यकीन मानिए यह सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। अब इसे 7 से 8 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, बीच में चलाते रहेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। ब्रोकली सॉफ्ट हो गई और लगभग 80% कुक भी हो गई है। ब्रोकली हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, हार्ट के लिए अच्छा है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब इसमें एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, जिससे जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएं। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं और सब्जी भी ऑलमोस्ट कुक हो गई है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। इन्हें सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें सब्जी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, पर यह ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। मसाले डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। 1 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे। ब्रोकली की सब्जी बिल्कुल रेडी है। ब्रोकली की यह सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और ब्रोकली हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक बार यह सब्जी ज़रूर ट्राई करें, आपको ब्रोकली की सब्जी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।